नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ आपके आज के सेशन में। तो आज के सेशन में हम लोग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज का सेशन आपका बहुत ही छोटा सा रहने वाला है, क्योंकि आपका एक छोटा सा टॉपिक है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है जरूरी है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न एग्जामिनर जो है आपसे पूछ सकता है। तो आपको पता है कि ये जो फिल्म फेस्टिवल है ये अभी हाल ही में समाप्त हो चुका है। यहाँ से जो भी संभावित प्रश्न आपके बनते हैं वो हम लोग आज के सेशन में करेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक आपका जो सेशन रहने वाला है वो पूरा एमसीक्यूज बेस्ड रहने वाला है। शुरू से लेकर आखिर तक हम लोग सिर्फ एमसीक्यूज करेंगे। तो आपका आज का सेशन हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं, देखते हैं आपका आज का पहला सवाल क्या है। सबसे पहले, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो हर साल भारत के द्वारा आयोजित किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का आपका ये फेस्टिवल है जो सिर्फ भारत में हर साल आयोजित किया जाता है। यहां पर बात करते हैं, सबसे पहला सवाल आपका ले लेते हैं। सबसे पहले सवाल में आपसे क्या पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पहली बार किस वर्ष आयोजित किया गया था। यानी कि ये जो फिल्म फेस्टिवल है जिसे हम हर साल सुनते हैं कि हर साल आपका ये संस्करण मनाया जाता है, वो मनाया जाता है, ये शुरू कौन से वर्ष से हुआ था, 52, 54, 62 या फिर 1982। अब जिसको इसका जवाब पता है, अगर आपका आंसर है 1952 तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए 1952। 1952 से जो है ना आपका क्या है, ये फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ था और इसे हर साल भारत में आयोजित किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हर साल भारत के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी करता है। अब यहां पर बात करें तो पिछले कई सालों से जो है एक ही आपका राज्य है जहां पर इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, वो कौन सा है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, गोवा या फिर केरल राज्य। यहां पर बात करते हैं तो ये जो फिल्म फेस्टिवल है आपका हर साल कहां पर होता है, गोवा में इसका आयोजन बच्चे किया जाता है। तो अगर आपका जवाब है सी तो बिल्कुल सही जवाब है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके अलावा बात करते हैं तो अगर शुरुआती तौर से हम लोग देखें तो शुरुआत में जब ये फेस्टिवल आपका आयोजित किया जाने लगा था यानी 1952 से, तब इसका आयोजन जो है भारत के अलग अलग शहरों में, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अलग अलग शहरों में किया जाता था। लेकिन 35th यानी कि 35वें संस्करण की अगर मैं बात करती हूं तो यहां से लेकर अब तक जो है ये क्या है, गोवा में ही आपका आयोजित किया जाता है हर साल। सो हर साल इसका आयोजन गोवा में किया जाता है। इस साल यानी साल 2023 में भी इसका आयोजन कहां पर किया गया है, कहां पर, गोवा में किया गया है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, बोला गया है निम्नलिखित में से इस वर्ष भारत के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण मनाया गया है। बहुत ही सिंपल सवाल है, आप सब ने जरूर न्यूज में देखा होगा, अपने सेशन में जरूर कवर किया होगा करंट अफेयर्स के में। सो यहां पर 50वां, 51st, 52nd या फिर 54th कौन सा संस्करण मनाया गया है, तो उसका भी सिंपल सा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 54th। तो 54th जो है ना हमने संस्करण इस साल देखा है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का, जो कहां पर आपका आयोजित किया गया है, गोवा में, जो सबसे पहली बार आपका कब आयोजित किया गया, 1952 में। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जो है ना आपके 54th इफी की पहली फिल्म थी। यहां पर बात करें तो ओपनिंग फिल्म के बारे में आपसे पूछा गया है कि ओपनिंग फिल्म जो है आपकी क्या रही, वो फिल्म जिससे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई। अब यहां पर बात करते हैं तो एक रही आपकी ओपनिंग फिल्म जो फेस्टिवल के शुरुआत में दिखाई गई, एक रही आपकी मिड फेस्ट फिल्म जो फेस्टिवल के मिड में दिखाई गई, मध्य में दिखाई गई, और एक रही आपकी क्लोजिंग फिल्म जो बिल्कुल फेस्टिवल खत्म होते हुए दिखाई गई। यहां पर से पूछा गया है कि ओपनिंग फिल्म का नाम क्या है, अटम एंड्रू ड्रीम्स, एंडलेस बॉर्डर्स या फिर कैचिंग डस्ट। सो अगर आपका आंसर यहां पर है ऑप्शन डी तो आपका बिल्कुल सही आंसर है बच्चे, ऑप्शन डी कैचिंग डस्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कैचिंग डस्ट की अगर हम बात करते हैं तो आपकी एक ब्रिटिश फिल्म है कैचिंग डस्ट, जो आपकी क्या है इस संस्करण की यानी 54th एडिशन की क्या है, हमारी ओपनिंग फिल्म जो है वो रही है। सो ऑप्शन डी कैचिंग डस्ट आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है 54th इफी में मध्य उत्सव फिल्म थी, मिड फेस्ट फिल्म आपकी जो है वो कौन सी रही, पार्टी ऑफ फूल्स, मीरबीन, अबाउट ड्राई ग्रासेस या द फेदर वेट। अब यहां पर बात करते हैं दो ऑप्शन में जो है कंफ्यूजन हो सकती है, अगर आपका आंसर यहां पर है अबाउट ड्राई ग्रासेस तो बिल्कुल सही है, अगर हम मिड फेस्ट फिल्म की बात करते हैं तो आपका बच्चे करेक्ट आंसर क्या होगा, अबाउट ड्राई ग्रासेस जो है, जो कि आपकी एक टर्किश मूवी है
है ये आपकी क्या रही है, मिड फेस्ट फिल्म जो है आपकी रही है, यानी मध्य में दिखाई गई है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म ने 54th ईपी में समापन जो है वो किया था, यानी क्लोजिंग फिल्म जो है आपकी कौन सी रही है। सो यहां पर अगर बात करते हैं तो कांतारा, व्हेन द सीडलिंग्स ग्रो, द फेदर वेट या फिर ओड, इसमें से कौन सी मूवी है जो क्लोजिंग फिल्म रही है। सो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे, ऑप्शन सी द फेदर वेट। करेक्ट आंसर क्या होगा, द फेदर वेट जो आपकी एक अमेरिकन मूवी है वो क्या है, आपकी क्लोजिंग फिल्म रही है इस फेस्टिवल में। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से 2023 में किस कलाकार को इफी सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब ये आपका प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न ऐसा है जो जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है आपका वो किसे दिया गया है। आशा पारे, कार्लोस सोरा, माइकल डॉगलस या फिर मार्टिन स्कॉर्सेस। यहां पर अगर बात करते हैं तो सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये बच्चे आपका 1999 में इंट्रोड्यूस किया गया था। 1999 से ये पुरस्कार आपका हर साल फिल्म फेस्टिवल में जो है वो हर किसी को जो है दिया जाता है, अलग अलग लोगों को दिया जाता है। यहां पर बात करते हैं तो इस साल किसे दिया गया है ये पूछा गया है, सो आप सबको पता है इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी माइकल डगलस। माइकल डगलस की बात करते हैं तो आपके एक हॉलीवुड एक्टर हैं, हॉलीवुड स्टार हैं आपके, ऑप्शन सी माइकल डॉगलस आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो 54th इफी में जो है किसे मिला है, माइकल डगलस को। इसी के अलावा ऊपर वाले ऑप्शन पर देखें कार्लोस सोरा को, तो ये जो है 53rd इफी में जो है आपके क्या है, सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड के विजेता आपके रहे हैं। सो प्रश्न के हिसाब से सही जवाब क्या होगा, माइकल डगलस। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस फिल्म ने 75th क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है वो जीता है। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो की अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसा चैलेंज है जिसे इस साल भी क्या है अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये चैलेंज होता है जिसमें क्या है 48 आवर्स के अंदर अंदर, यानी दो दिन के अंदर अंदर जो है आपका क्या है एक शॉर्ट मूवी बनानी होती है। ठीक है, दो दिन के अंदर अंदर एक शॉर्ट मूवी जो है फिल्म मेकर्स को बनानी होती है, राइट। सो ये जो आपका चैलेंज लाया गया था ये साल 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया था, इस साल का ये तीसरा चैलेंज था, तीसरा संस्करण था इस चैलेंज का जो हुआ इस साल, है ना। यहां पर बात करते हैं तो यहां पर आपकी जो मूवी विजेता रही है, जो जीती है, तो वो रही है आपकी कौन सी मूवी रही है, वो रही है बच्चे ओड। कौन सी मूवी रही है, याद रखेंगे ओड मूवी जो है वो आपका ये चैलेंज जीती है इस साल के संस्करण में। ऑप्शन बी ओड आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सीरीज ने पहले ओटीटी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सीरीज के लिए पुरस्कार जीता है। तो पहली बार क्या है ओटीटी पुरस्कार आपका दिया गया है। ओटीटी क्या होता है, ओवर द टॉप, राइट। सो ओटीटी पुरस्कार जो है क्या है आपका सर्वश्रेष्ठ सीरीज के लिए, जो वेब सीरीज आपकी निकाली जाती है जिसमें कई सारे एपिसोड होते हैं, है ना। एक मूवी क्या होती है आपकी 1.5 घंटे की होगी, 2 घंटे की होगी। सीरीज की बात करते हैं तो वो उसमें कई सारे सीजन आपके हो सकते हैं, बहुत सारे एपिसोड हो सकते हैं, 10 एपिसोड हो गए, 12 एपिसोड हो गए। सो सर्वश्रेष्ठ सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो किसे मिला है, डेरी गर्ल्स पंचायत सीजन 2, एस्पिरेंट सीजन 1 या फिर स्क्विड गेम्स। तो सारी आपकी पॉपुलर वेब सीरीज है। यहां पर अगर बात करते हैं तो इस संस्करण में जो है बेस्ट सीरीज का अवार्ड किसे मिला है, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी पंचायत सीजन 2, है ना। यहाँ पर ऊपर डेरी गर्ल सीजन 3 पर अगर मैं आ जाती हूँ तो इसे क्या मिला है, इस साल एमी अवार्ड मिला है। खैर ये आपका अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी पंचायत सीजन 2 को जो है आपका क्या मिला है, बेस्ट सीरीज अवार्ड जो है वो इसने जीता है। आगे आते हैं, अगले प्रश्न में बोला गया है वेरी इंपॉर्टेंट फिर से, 54th इफी में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जो है आपका जीता है। सो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो गोल्डन पीकॉक जो है वो किसे दिया गया है, आपसे पूछा है। गोल्डन पीकॉक की बात करें तो गोल्डन पीकॉक में जो है 40 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है विजेता को। ये किसे मिला है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किसे मिला है, है ना। यहां पर अगर बात करते हैं तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, एंडलेस बॉर्डर्स। सही जवाब क्या होगा, एंडलेस बॉर्डर्स। एंडलेस बॉर्डर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो निर्देशक हैं, यानी इसके जो आपके डायरेक्टर हैं वो कौन है, वो है आपके अब्बास अमीनी है, है ना। वो कौन है, अब्बास अमीनी है। इन्होंने क्या है आपका क्या जीता है, आपका ये गोल्डन पीकॉक जो है वो जीता है। और इसी के एक्टर, है ना, इसी के एक्टर जो है आपके पोरिया सैम, है ना, पोरिया सैम या सैम जो है आपके, है ना, इनके इन्होंने इनको भी क्या है गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है बेस्ट
एक्टर मेल के लिए मिला है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करती हूँ तो बेस्ट एक्ट्रेस का जो है वो किसे मिला है, तो बेस्ट एक्ट्रेस का मिला है मिलेनी थेरी को मिला है। बेस्ट एक्टर फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो ये मिला है मिलेनी थेरी को मिला है। इनको मिला है पार्टी ऑफ फूल्स के लिए, पार्टी ऑफ फूल्स मूवी के लिए जो है इनको क्या है बेस्ट एक्टर फीमेल का पुरस्कार जो है यहाँ पर मिला है। राइट, सो यहाँ पर आपका अगर हम बात करते हैं तो एंडलेस बॉर्डर्स को जो है क्या है गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है सर्वश्रेष्ठ मूवी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को भी क्या है गोल्डन पीकॉक मिला है जिसके एक्टर हैं आपके पूरिया सैम। यहां पर मिलेनी थ्योरी की बात करते हैं तो इनको मिला है बच्चे सिल्वर पीकॉक, इनको मिला है, इनको कौन सा मिला है, इनको सिल्वर पीकॉक पुरस्कार जो है इनको मिला है। राइट, और यहीं पर बात कर लेते हैं तो डायरेक्टर के लिए भी क्या है सिल्वर पीकॉक पुरस्कार आपका दिया गया है। अगर डायरेक्टर की बात करती हूं कि कौन से डायरेक्टर को सिल्वर पीकॉक अवार्ड आपका मिला है, सो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा स्टीफन कोमन डेरिव है ना, स्टीफन कोमन को ब्लागाज लेसन्स के लिए जो है आपका क्या है ये पुरस्कार सिल्वर पीकॉक इनको भी दिया गया है। सो यहाँ पर प्रश्न के हिसाब से अगर गोल्डन पीकॉक की बात करते हैं तो कौन सी मूवी आपको जरूर याद रखनी है, वो रही है आपकी एंडलेस बॉर्डर्स। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस अभिनेता या अभिनेत्री ने 54th इफी में भारतीय सिनेमा के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार से जो है किस अभिनेता या अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है, वाहिदा रहमान, माधुरी दीक्षित, अमिताभ बच्चन या फिर आयुष्मान खुराना। सो यहाँ पर अगर बात करते हैं भारतीय सिनेमा के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, सही जवाब आपका क्या होगा, यहाँ पर सही जवाब होगा बच्चे माधुरी दीक्षित है ना, ऑप्शन बी माधुरी दीक्षित जिसका भी आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, माधुरी दीक्षित को जो है आपका क्या है ये पुरस्कार बच्चे दिया गया है, ऑप्शन बी माधुरी दीक्षित सही जवाब होगा। माधुरी दीक्षित को सभी जानते हैं, सभी ने उनकी फिल्में देखी है, सभी ने उनके गाने जरूर सुने होंगे, तो इनको क्या है आपका ये भारतीय सिनेमा के लिए विशेष पुरस्कार इस संस्करण में दिया गया है, ऑप्शन बी माधुरी दीक्षित बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म यूनिसेफ के सहयोग से 54th इफी में प्रदर्शित जो है आपकी की गई, यानी कि यूनिसेफ के साथ मिलकर भारत ने कितनी मूवियों का जो है प्रदर्शन किया या स्क्रीनिंग जो है वो की, तो टोटल आपकी 5 फिल्में थी जिनकी स्क्रीनिंग यूनिसेफ के साथ जो है मिलकर की गई। अब यूनिसेफ की बात है तो यहां पर यूनिसेफ के साथ मिलकर जो मूवीज आपकी दिखाई गई वो रही आपकी बाल अधिकारों से संबंधित यानी चाइल्ड राइट से संबंधित रही ऐसी मूवीज जो बच्चों के अधिकारों पर जो है नजर डालती हैं उनके ऊपर बनाई गई हैं। सो यहां पर पूछा गया है कि इसमें से कौन सी भारतीय मूवीज थी जो यूनिसेफ के साथ दिखाई गई हैं, तो टोटल 5 मूवीज दिखाई गई हैं, इन 5 मूवीज में से 2 जो है आपकी इंडियन मूवीज थी जिनका नाम था, एक थी आपकी दामू और एक थी आपकी गांधी एंड कंपनी। राइट, सो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी बच्चे आपका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, बोला गया है कि एंडो ड्रीम्स जो है एक डैश फिल्म है जिसने 54th इफी में भारतीय पैनोरमा के गैर फीचर फिल्म में खंड भाग की शुरुआत जो है की है। बोला गया है कि आपसे सवाल पूछा गया है कि एंडो ड्रीम्स जो है वो इसमें से कौन सी फिल्म है, मणिपुरी फिल्म है, तेलुगु फिल्म है, मलयालम फिल्म है, तमिल फिल्म है, जिसने नॉन फीचर फिल्म की जो है ओपनिंग की है इस फिल्म फेस्टिवल में भारत की तरफ से। तो एंडो ड्रीम्स की अगर हम बात करते हैं तो एक मणिपुरी फिल्म रही बच्चे, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, जिसकी स्क्रीनिंग जो है वो की है, जिसकी वजह से नॉन फीचर फिल्म की जो श्रेणी है वो ओपन की गई थी इस आपके फेस्टिवल में। इसके अलावा फीचर की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे फीचर फिल्म की श्रेणी में आपकी मूवी रही, मूवी का नाम क्या है आटम, मूवी का नाम क्या है, मूवी का नाम है आटम। आटम मूवी की बात की जाए तो आटम मूवी आपकी एक मलयालम मूवी है, ठीक है, जिसका प्रदर्शन किया गया, जिसकी स्क्रीनिंग जो है सॉरी की गई है ना, जिसने क्या है फीचर फिल्म की श्रेणी को ओपन किया। सो ऑप्शन ए मणिपुरी और मलयालम आटम फिल्म रही जो फीचर फिल्म की श्रेणी में दिखाई गई सबसे पहले। आगे आते हैं, 54th इफी में किस फिल्म ने ICFT यूनेस्को गांधी पदक जो है आपका जीता है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ICFT यूनेस्को गांधी मेडल जो है आपका किसके द्वारा जीता गया है ये आपसे पूछा है। राइट, सो ये जो आपका मेडल है सबसे पहली बात ये भी आपका क्या है कुछ वक्त पहले ही लाया गया है इफी में, 2015 में लाया गया है। ये मेडल जो है किस फिल्म ने जीता है, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सही जवाब क्या होगा, पीकॉक लेमेंट, सिंगो, फॉर द सेक ऑफ एवा या फिर ड्रिफ्ट। तो सही जवाब क्या होगा आपका, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट की अगर हम बात करते हैं
तो इसका डायरेक्शन किया गया है एंथनी चेन के द्वारा। इनके द्वारा, इनके निर्देशन में बनी ये फिल्म है ड्रिफ्ट, जिसे ICFT यूनेस्को गांधी मेडल दिया गया है। ये मेडल ऐसी मूवीज को दिया जाता है, ऐसी फिल्मों को दिया जाता है जो शांति को बढ़ावा देती हैं, प्रमोट करती हैं, राइट। और ICFT की अगर हम बात करते हैं तो ICFT यूनेस्को का ही एक परिषद है जो इस नाम में, जो है इस मेडल के नाम में शामिल है। सो ये जो है मेडल आपका इस साल किसे दिया गया है, ड्रिफ्ट को दिया गया है। ऑप्शन डी ड्रिफ्ट आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव द स्पेशल जूरी अवार्ड एट 54th इफी। इस साल विशेष जूरी पुरस्कार जो है वो किसे प्राप्त हुआ है, ऋषभ शेट्टी, रिगर आजाद काया, स्टीफन कोमेंडेरेव या फिर मिलनी थेरी। तो सही जवाब क्या होगा आपका, ऑप्शन ए ऋषभ शेट्टी। ऋषभ शेट्टी को कांतारा के लिए जो है क्या है बच्चे आपका, कांतारा मूवी के लिए क्या है आपका स्पेशल जूरी पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऋषभ शेट्टी, है ना। इसके अलावा बात करते हैं तो हमने अभी भी पढ़ा कि मिलनी थेरी को सिल्वर पीकॉक अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर फीमेल के लिए। स्टीफन कोमेंडेरेव को भी सिल्वर पीकॉक अवार्ड मिला है फॉर बेस्ट डायरेक्टर, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर के लिए। और रिगर आजाद काया की अगर बात करते हैं तो इनको मिला पुरस्कार आपका बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफर डायरेक्टर के लिए, है ना। यानी कि बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफर डायरेक्टर जो रही, किसी भी डायरेक्टर के द्वारा बनाई गई पहली फिल्म, है ना, का पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है, रिगर आजाद काया को दिया गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए तो आज के लिए आपका होमवर्क क्या होगा कि सबसे पहला संस्करण जो है अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का वो कौन से शहर में आयोजित किया गया था, किस शहर ने भारत के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का पहला संस्करण आयोजित किया था, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद या फिर बेंगलुरु। आपके आज के सेशन में इतना ही था। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपका रिविजन हुआ होगा इस टॉपिक का। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक सभी अपना ख्याल रखेंगे, टेक केयर, बाय।